अभी मैं अंडा कड़ी का प्रिपरेशन आपको दिखा रहा हूँ। पहले जो अंडा मैं बॉईल करके रखा हूँ, चार उबला हुआ अंडा, इसको मैंने पहले चीर दूंगा। कैसे चीरना है, ये जो शेल देख रहा है, ये शेल है अंडा का ही। बॉईल करने के बाद जो शेल है, ये शेल से मैं इसको अंडा को सीधा सीधी चीर दूंगा। तो इसके वजह से क्या होगा, ये फ्राई करने से इसका अंदर सब नमक वगैरह सब आराम से इसका अंदर जाएगा। तो अभी अंडा को मैंने चीर लिया, इस शेल से मैं अंडा को चीर दिया। अभी इसमें क्या करना है, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर इसमें क्या करना है, मिक्स करना है। देखिए आराम से हल्दी और नमक अंडा में मिक्स हो गया। अब इसको मैं फ्राई करूँगा। अभी ये अंडा करी बनाने के लिए मैं जो यूज़ करूँगा वो दिखा रहा हूँ। पहले मैं एक उबला हुआ दो मीडियम साइज का आलू मैं चीर के रखा हूँ। ये आलू उबला हुआ है, बॉइल्ड पोटैटो, और एक टेबल चम्मच करीब अदरक का पेस्ट, और जो यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन चिल्ली, क्यूमिन पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड चार पांच क्यूब क्रश किया हुआ लहसुन और प्याज, और स्वाद के अनुसार मैं नमक को यूज़ करूँगा। अभी ये जो अंडा करी बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करूँगा। सरसों का तेल मैंने डाल दिया। पैन गर्म होने के बाद इसमें अंडा को छोड़ना है। अंडा को थोड़ा डीप फ्राई करना पड़ेगा। देखिए अंडा जो है डीप फ्राई हो गया, तो अंडा को मैंने अभी पैन से निकाल देता हूँ। अंडा को निकाल लिया। अभी इसको क्या करना है, जो चार पांच क्यूब लहसुन मैंने रखा था, लहसुन को मैं यहाँ दे दिया, लहसुन दे दिया। लहसुन देने के बाद थोड़ा बहुत कटा हुआ प्याज भी इधर डाल दिया, तेज पत्ता डाल दिया इधर। इसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, थोड़ा ब्राउनिश कलर हो जाने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे स्पाइसेस जो है वो देना पड़ेगा। देखिए इसमें ब्राउनिश कलर आ गया। ब्राउनिश कलर आने के बाद जो प्याज जो था कटा हुआ, बाकी प्याज मैं इधर डाल दिया। अदरक का पेस्ट जो था वो मैंने डाल दिया, लगभग एक टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया। बाकी जो था ग्रीन चिल्ली दे दिया। उसके बाद जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, सारे स्पाइसेस को मैंने इधर दे दिया। और इसको आराम से पकाना पड़ेगा, इसको अभी आराम से पकाना पड़ेगा। जरूरत हो जाने पर थोड़ा बहुत पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पानी के आगे इसको सब पानी के साथ पकाने से पूरा सॉफ्ट हो जाएगा और ये जो चीज है पूरा पक जाएगा। अभी देखिए जो मैं 8 से 10 मिनट तक इसको पकाना पड़ेगा। अभी देखिए हर चीज सॉफ्ट हो गया और जो स्पाइसेस था वो भी पक गया, क्योंकि उससे मुझे रॉ स्पाइसेस का कोई सेंट नहीं आ रहा है, अभी पका हुआ रहा है स्पाइसेस का ही सेंट आ रहा है। अभी क्या करूँ, जो उबला हुआ आलू जो था मैं कट के रखा था वो मैं इधर डाल दूंगा। अभी एक चीज़ डालना है, अभी इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है। अभी वो नमक मैंने पहले ही नहीं दिया, अभी मैं स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल रहा हूँ। इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद थोड़ा बहुत पानी भी डाल दिया। अभी इसको पूरा आलू के साथ इसको
थोड़ा देर के लिए इसको पकाना है। अभी आलू के साथ इसको मान लीजिए 3-4 मिनट इसको आलू के साथ, क्योंकि आलू उबला हुआ है, 3-4 मिनट आलू के साथ पकाना है। तो अभी इसको मैंने करके आलू के साथ दे दिया। अभी आलू देने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने पकाया। अभी देखिए आलू का साथ थोड़ा ग्रेवी जो मिक्स हो गया। अभी क्या करना है, इसमें मुझे पानी डालना है। अभी नहीं तो मैं पहले अंडा डाल देता हूँ। मैंने अंडा डाल दिया जाए, अंडा मैंने डाल दिया जाए। अंडा डालने के बाद अभी इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगा। पानी ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है। देखिए पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इसको ग्रेवी के साथ बॉयल करने से ही हमारे प्रिपरेशन रेडी हो जाएगा। अभी मैं इनको छोड़ देता हूँ 5 मिनट अंडा के साथ सारे चीज़ के साथ बॉयल होने के लिए। मैंने इसको छोड़ दिया। अभी इसको मैंने देखिए एक काड़ी को मैंने सिम बर्नर में 5 मिनट तक इसको बॉयल किया। अभी देखिए सारे जो इंग्रेडिएंट्स है और बॉयल्ड आलू है सारे घोल मिल गया। तो मेरा अंडा करी अभी तैयार। अभी मैं बर्नर बंद करता हूँ। बर्नर बंद करने के बाद इसको अभी निकालना पड़ेगा। अभी बॉयल्ड आलू के साथ हमारा अंडा करी तैयार। वेरी एक डेलीशियस रेसिपी हो गया। तो अंडा करी हमारा अभी तैयार हो चुका है। एंड थैंक यू वेरी मच आप इस प्रक्रिया को देखने के लिए।